स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। 28 वर्ष पर उठिला सत उपरू परदा, षड्यंत्र नुहे बरं हठात घटिथिला घटना। आसिला बहु प्रतीक्षित बाबरी मस्जिद मामलार राय। बुधवार सीबीआई रा स्वतंत्र कोर्टर सुनानी रे कोर्ट 28 वर्षर मिछ उपरू हटाई परदा। सुनानी बेले विचारपति एसके यादव कहिथिले मस्जिद भांगिबा नै कोनोसी षड्यंत्र होई नथिला, बाबरी भंगा पूर्व निर्धारित योजना नथिला। समस्त 32 जन अभियुक्तंकु कोर्ट दोषमुक्त करछन्ती। देशर एही बड़ मामलारे थिले 32 प्रमुख अभियुक्त। थिला आडवाणी, जोशी, उमा और काटियार ना। एही मामलारे समस्त 32 जन अभियुक्तंकु सीबीआई स्पेशल कोर्ट दोषमुक्त करछन्ती। राय आसीबा परे एमेति किछि प्रतिक्रिया रखिथिले बीजेपी रो एही वरिष्ठ नेता माने। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था। ये निर्दोष लोकमान को, देशर दिग्गज नेता मान को समाप्त करने गोटे षड्यंत्र चलता। ये गोटे राष्ट्रीय विचार को खत्म करने गोटे षड्यंत्र थिला। आज से षड्यंत्र पर्दाफाश हो जाइए, से अभियोग निराधार बोली प्रमाणित हो जाइए। द्वितीय कथा है जे माननीय सुप्रीमकोर्ट को आदेश बल आज सत्यर विजय हो। तेबे बाबरी मस्जिद ध्वंस मामलें मोट 49 जनक विरुद्ध मामला रुजु होता। से 17 अभियुक्त परलोक घटी सारी। आज सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया पूर्वतन उप मुख्यमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्वतन केंद्र मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस शुणाणी में उपस्थित रही। 28 वर्ष धरी चली मामलें 351 जन लोकों साक्ष्य ग्रहण कर 610 दस्तावेज कोर्ट को प्रदान कर। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।